गुड आफ्टरनून, स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 58 है और यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन का एक टॉपिक है प्रीफिक्स। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। देखो सिंपल से क्या होता है, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन। आने वाले कल के दिन मनाना है गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेशन, क्लियर? कल गांधी जयंती है, बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद टीचर का भी है मनाना है कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन, और इस चक्कर में देना है हर किसी को इनविटेशन। वर्ड फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही लेना है सबसे रिस्क, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीफिक्स। वर्ड फॉर्मेशन के ही बाद पढ़ना है सबसे रिस्क, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बिना नहीं है कोई रिस्क, नहीं है कोई रिस्क। ओके, तो देखो ये प्रीफिक्स बहुत कमाल का शब्द है, इसलिए है क्योंकि प्रीफिक्स जो है अर्थ का अनर्थ कर देता है, है ना? अर्थ का अनर्थ कर देता भाई, ऐसा टॉपिक है ना कि क्या बताऊं, जिंदगी सत्यानाश कर देता है। कैसे करवाओ जिंदगी सत्यानाश? यस सर भाई। अरे इतने उत्साहित हो, ठीक है करवाता हूँ। पहले इसका मतलब तो समझते हैं, देखो ध्यान से। फिक्स मतलब होता है फिक्स होना, बाद में लगना, फिक्स हो जाना, और प्री का मतलब किसी शब्द के पहले, क्लियर है? प्री का मतलब होता है प्री में, यानी कि पहले, और फिक्स का मतलब होगा भैया चिपक जाना, फिक्स हो जाना, लग जाना, और अर्थ का अनर्थ कर देना, क्लियर है? आस को बदल देना सत्यानाश में, क्लियर? कैसे, यानी कि फिक्स का मतलब होता है फिक्स रहना, क्लियर है? या लगा देना, लगा देना, फिक्स कर देना, ये चीज होता है। जैसे मैं आपसे कहूं लाइक, पसंद, और अब देखो हम सत्यानाश कर रहे हैं, डिसलाइक, लुक, ना पसंद, क्या ये डिस आया और लाइक मतलब जो अभी तक पसंद 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 पसंद, अब क्या हो गया? ना पसंद, ना पसंद, ना पसंद, क्लियर है? यहाँ पर लाइक मतलब पसंद, लेकिन डिसलाइक मतलब ना पसंद। तो भैया ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे देख, लाइक बोला जाए, ठीक है, एक तो है कि लाइक का अपोजिट आपका हेट होगा, डिटेस्ट होगा, और दूसरा क्या भैया, प्रीफिक्स लगाकर बना दो, इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, बैलेंस इम्बैलेंस, अब तुम सब में अन लगाए हो, बैलेंस डिसबैलेंस बोलते भी रहते हो यार, डिसबैलेंस हो गया, नहीं बच्चा डिसबैलेंस नहीं इम्बैलेंस होता है, इतना समझ पाए ना? तो लाइक का क्या हो गया, डिसलाइक, और अब ये क्या प्रीफिक्स के रूप में, इसको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, अब सबको याद आया होगा उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रीफिक्स बोला जाता है, क्लियर है? जैसे अगर मैं कहूँ एबल, एबल मतलब होता है योग्य, एबल मतलब होता है योग्य, समर्थ, क्लियर है? और एबल का अपोजिट क्या होगा, योग्य का अपोजिट क्या होगा, आप बोल सकते हैं अनेबल, आप लोग एप्लीकेशन में लिखते हैं आई एम अनेबल टू अटेंड दिस क्लास बिकॉज ऑफ दिस, एबल का क्या होता है, अनेबल होता है। तो यहाँ प्रीफिक्स कौन है, अन, यहाँ प्रीफिक्स कौन है भैया, अन है, यहाँ प्रीफिक्स कौन है, दिस है, यहाँ प्रीफिक्स कौन है, दिस है। जैसे मैं बात कर दूं आपका इस तरीके से, रेगुलर, तो रेगुलर मतलब नियमित, रेगुलर मतलब नियमित, और अगर यहाँ पर लगा दिया जाए इर, तो क्या बन जाएगा, इरेगुलर, इरेगुलर मतलब क्या हो जाएगा, अनियमित, आप लोग देख रहे हो इलीगल काम कर रहे हो बच्चा, इलीगल, तो लीगल मतलब कानूनन संबंधी, कानूनन, और इलीगल मतलब गैर कानूनन, इलीगल मतलब क्या हो जाएगा, गैर कानून, तो इन सब में ये इल आया है, यहाँ पर इर आया, यहाँ पर अन आया, यहाँ पर डिस आया, क्लियर है? इस तरीके से
प्रीफिक्स क्या कर रहा है, अर्थ को पूरी तरह से चेंज कर दे रहा है। और एक कमाल की बात बताऊं बच्चा, आपके इंग्लिश में चाहे आप सिक्स में हो, सेवन में हो, टेंथ में हो, ट्वेल्थ में हो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हो, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, फिक्स है। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेज आता है। अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए रेगुलर का अपोजिट क्या होगा, तुरंत आप कर दो इररेगुलर होगा। प्रीफिक्स पढ़ने का फायदा है, एक तो वर्ड आप क्या कर रहे हो, वर्ड का फॉर्म बना रहे हो, वर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो। दूसरा, इसी बहाने आप क्या सीख रहे हो, एंटोनिम भी सीख रहे हो। इतना समझ में आया? तो एक तो काम ये सीधा सीधा यहां से फायदा कर देता, क्लियर है। जैसे मैं आपसे पूछूं ब्यूटीफुल, बताइए ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, खूबसूरत, इसका अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो खूबसूरत मतलब बदसूरत, है ना। सूरत में भी खूबसूरत, ब्यूटी से एकदम फुल, ब्यूटी का गोदाम, दैट्स इज द ब्यूटीफुल, है ना। ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, ब्यूटी से फुल है, है ना, मतलब वो है ब्यूटी, मतलब सुंदरता से फुल है, एकदम सुंदरता से भरी हुई है, ऐसा लगता है सुंदरता भरा हुआ है, फुल है। निकाल लो भैया, दो चार बोरा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्यूटी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी को आप चुरा नहीं सकते हो, ब्यूटी को देख नहीं सकते हो, ब्यूटी को आप महसूस कर सकते हो, क्लियर है। अब यहाँ ब्यूटीफुल से बना है ये, अब मैं कहूँ ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत और इसका अपोजिट बदसूरत, बदसूरत मतलब अगली, समझ में आया पगली, साये का खूबसूरत, है ना। ब्यूटीफुल का क्या है, अगली, समझ में आया। लेकिन मैं कह दूँ ब्यूटी का बता दो भैया, अभी वो सुंदर है, है ना, गोदाम नहीं है सुंदर, अब बताओ क्या हो, अब क्या अगली करो, अब बताइए। ये नाउन के फॉर्म में तो ब्यूटी का होगा ब्यूटीनेस, अरे सॉरी, ब्यूटी का होगा अगलीनेस, क्या होगा अगलीनेस। अब ये क्या बात हुआ बच्चा, ये एडजेक्टिव के रूप में है तो ये भी एडजेक्टिव में गया, ये नाउन के रूप में है ये भी नाउन के रूप में गया, ये नेस आ गए, ये है सफिक्स, जो शब्द के बाद में लगता है वो होता है सफिक्स, और जो शब्द के पहले लगता है वो होता है प्रीफिक्स, जो शब्द के पहले लगता है वो प्रीफिक्स, जो शब्द के बाद में लगता है वो सफिक्स, हिंदी में बोले तो प्रत्यय। हिंदी में पढ़ते हो ना उपसर्ग और प्रत्यय से बने शब्द, से यहाँ भी आता है, तो यहाँ नेस जो है क्या है, क्या है सफिक्स है। तो दो चीज समझ में आया, एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो शब्द के पहले लगता है, और सफिक्स का मतलब जो शब्द के बाद में लगता है वो होता है सफिक्स होता है, और जो मेन शब्द होता है, मेन तो मेन, बाप तो बाप ही रहता है, क्लियर। हाँ, हर बाप का भी एक बाप होता है, बाप का, चलो ठीक। अच्छा, ये समझ में आया, क्लियर है ना भाई। जैसे आपने देखा ब्यूटी नाउन के फॉर्म में, तो उसका क्या हो गया, नाउन के फॉर्म में हो गया अगलीनेस, यहाँ ब्यूटीफुल आपका। आपने देखा जो शब्द के पहले लगेगा वो प्रीफिक्स होगा, जो शब्द के बाद लगेगा वो क्या होगा, सफिक्स होगा, क्योंकि हर बाप का भी बाप होता है, और बाप का भी कोई ना कोई बाप होता है, और वो बाप एक ना एक दिन उसके पास होता है। हाँ बताइए, मैंने क्या कहा, जो पीछे लगेगा और सफिक्स होगा ना, मैंने ये तो कहा नहीं। तो सर ब्यूटीफुल में नेस लग रहा है ना, अरे ब्यूटी में नेस लग रहा है, और ब्यूटीफुल में नेस नहीं लग रहा, उसमें अगली आप लिख रहे हैं। भैया ब्यूटी का अपोजिट क्या होगा, अगली होगा, अगली, ब्यूटी नाउन है, यस सर, तो अगली का नाउन होता है अगलीनेस, खूबसूरता बद नहीं, खूबसूरती बदसूरती, खूबसूरती और इधर क्या होता है बदसूरती। ये तो हो गया भैया ग्रामेटिकल पोर्शन, वर्ड फॉर्मेशन की हेल्प से, यानी प्रीफिक्स की हेल्प से। अब ये कैसे आएगा, कैसे डिमांड बनेगा, कैसे कमांड बनेगा, क्योंकि जब तक कमांड नहीं तब तक डिमांड नहीं, है ना। जब तक आपका किसी सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है तब तक आपकी कोई डिमांड नहीं। जिस दिन आप किसी सब्जेक्ट पर कमांड बना लिए ना,
उस दिन हम कह रहे हैं सबके बाप बन जाओगे। जरूर नहीं कि आप हर विषय में बाप हो, लेकिन कोई तो एक विषय होगा, कोई तो ऐसा एक तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ कुशलता, कला, दक्षता होगी जिसमें तुम सबसे चैलेंज ले सकते हो। भैया प्रीफिक्स और सफिक्स में तो आप ले ही सकते हो, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपका प्रीफिक्स पर कमांड बन पाएगा। ये तो जैसे मैंने बता दिया, हाँ आपका अरे कुछ नहीं है, गुरु जी का है। प्रीफिक्स मतलब जो सबके पहले लगे, और सफिक्स का मतलब जो सबके बाद लगे, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तब असली कहानी समझ में आएगी। क्लियर है? ओके, समझ में आया सबको?